राहुल गांधी का आजकल अलग ही अंदाज देश देख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जनता से सीधे कनेक्ट करते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में कांग्रेस नेता की जो तस्वीरें आ रही हैं, उन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी अचानक गुरुवार शाम दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंच गए। यहां उन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC और कर्मचारी चयन आयोग SSC की सिविल सेवाओं की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट से बातचीत की। मुखर्जी नगर में राहुल स्टूडेंट्स के साथ सड़क किनारे एक कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने स्टूडेंट से उनके सपनों और अनुभवों के बारे में पूछा। पहले आप ये वीडियो देखें। सर ने काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया था, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया था, और सर ने अभी यात्रा की थी भारत जोड़ो यात्रा, तो उसका एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैसा रहा सब, मतलब सर ने क्या क्या देखा और ये सब किया बताया था। और सर ने मतलब ये बताया था, बच्चों को बताया था कि अपना पहले पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखो कि आपको करना क्या है, और सर से ये पूछा था कि हमारी एजुकेशन में और फॉरेन एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। तो सर ने बताया था कि वहाँ पे बच्चों को पूछने दिया जाता है, क्वेश्चन मीन्स उनके मन में जो भी क्वेश्चन होते हैं, क्वेरीज होती हैं, उनको वहाँ पे पूरा सोल्व किया जाता है, और यहाँ पे बच्चे को दबा दिया जाता है, बस गिने चुने चीजों के बारे में ही बताया जाता है। इससे पहले राहुल गांधी मंगलवार देर शाम दिल्ली के बंगाली मार्केट और चांदनी चौक के बाजारों में अचानक पहुंच गए थे। वहां राहुल गांधी ने गोलगप्पे, चाट और शरबत का लुत्फ उठाया था। तब वो सैकड़ों लोगों के बीच घिरे हुए नजर आए थे और उन्हें देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए थे। यहां उन्होंने बंगाली मार्केट के नाथू स्वीट्स में गोलगप्पे खाए और इसके बाद वो पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में पहुंच गए थे, जहां वो रमजान मना रहे लोगों के साथ मोहब्बत का शरबत पीते नजर आए थे। राहुल इसके बाद कबाब खाने अल जवाहर रेस्टोरेंट भी गए। इधर कर्नाटक की बात करें तो राहुल गांधी रविवार को नंदिनी ब्रांड की आइसक्रीम खाते भी दिखे थे। उन्होंने डेयरी ब्रांड नंदिनी को कर्नाटक की शान बताया था। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बीते कई दिनों से दो डेयरी ब्रांड नंदिनी और अमूल को लेकर राजनीति हो रही है। इस पर राहुल गांधी का नंदिनी आइसक्रीम खाने से यह मैसेज क्लियर था कि वो नंदिनी ब्रांड के साथ है। यह है राहुल गांधी का अलग अंदाज, कभी स्टूडेंट से बातचीत तो चांदनी चौक के गोलगप्पे, तो कभी नंदिनी आइसक्रीम। राहुल गांधी का यह अलग अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। आपको हम ये भी बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता मोदी सरनेम मामले में रद्द हो गई है। उन्हें कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, जिस पर अब कांग्रेस हाई कोर्ट का रुख कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।